Hello everyone, I am going to discuss this question. Here question is, differentiate the function with respect to x, x to the power x minus 2 to the power sin x. ये question variable to the power variable type का function है. तो हम लोग इसको मान लेते हैं, assume कर लेते हैं let, है ना? और इसको एक नया y equals to, assume कर लेते हैं कि ये एक function है, x to the power x minus 2 to the power sin x. And इसको individual function की तरह treat करते हैं. x to the power x को u मान लेते हैं and 2 to the power sin x को v मान लेते हैं. That means, अगर आप dy by dx करोगे, है ना, dy by dx जब करोगे, तो ये equal होगा du by dx minus dv by dx. अब यहाँ पे अलग अलग function, that means, u के लिए अगर differentiate करें, u को मैंने बोला, u क्या है अपना x to the power x. तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल टाइप के लिए लॉग लेना पड़ता है, तो यहाँ हम लोग लॉग ले लेंगे. मैंने बोला टेकिंग लॉग. अगर आप लॉग लोगे तो कितना आएगा, ये आएगा लॉग यू इक्वल्स टू, ये आएगा लॉग एक्स टू द पावर एक्स. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग यू इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स. नाउ डिफ्रेंशिएट करोगे तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे लगाएंगे यू वी रूल, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 एक्स प्लस एक्स इंटू 1 बाई एक्स. डैट मीन्स आप लिख सकते हो कि डी यू बाई डी एक्स कितना होगा, तो यहाँ देखो डी यू बाई डी एक्स आ गया अपने पास u इंटू एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. नाउ सिमिलरली v के लिए काम करेंगे तो आप देखो यहाँ पे v कितना है, v है आपका 2 to the power sin x. That means हमें पता है कि a to the power x का differentiation a to the power x into ln a होता है. इसको हम लोग differentiate करते हैं तो ये हो जाएगा dv by dx and it will be 2 to the power sin x into ln 2 into cos x. Now from 1 अगर आप देखोगे तो from 1 हम लोग direct dy by dx लिख सकते हैं और dy by dx क्या होगा, dy by dx होगा du by dx, that means x to the power x into 1 plus log x minus dv by dx क्या होगा, तो होगा 2 to the power sin x into ln 2 into sin x का cos x. Finally, hence dy by dx will be x to the power x into 1 plus log x minus 2 to the power sin x into ln 2 into cos x. This is the explanation for this question. Thank you.